नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी को अपडेट किया है लेकिन आपका जो बैंक केवाईसी का स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग विथ एम्प्लॉय फॉर डिजिटल साइनिंग, आपको 1 से 2 से 3 महीना हो गया फिर भी आपको यही देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसको डिलीट करके मैं दूसरा बैंक अकाउंट को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, तो इस दौरान दोस्तों आप अपने बैंक केवाईसी को किस प्रकार से डिलीट करेंगे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक आसान स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपना पेंडिंग विथ एम्प्लॉय फॉर डिजिटल साइनिंग केवाईसी को आप इस प्रकार से आप डिलीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना पीएफ अकाउंट ओपन कर लेना है और आपको केवाईसी वाला सेक्शन में आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको जो पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल साइनिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको राइट साइड में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डिलीट का यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे एक कट का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बहुत सारे पीएफ नंबर का यहाँ पे ये ऑप्शन देखने के नहीं मिल रहा है तो वो अनलकी है, लेकिन आपको यदि देखने के लिए मिल रहा है तो जल्दी से जाइए इस कट का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकता है आर यू शो वांट टू यहाँ पे डिलीट, तो यहाँ पे ओके का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो केवाईसी है डिलीट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव में डिलीट करके भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे ओके का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी डिलीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे मैं जैसे ओके का ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पेंडिंग में जो देखने के लिए मिल रहा था अब यहाँ पे कोई भी हमारा यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है, नॉट फाउंड यहाँ पे रिकॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों दूसरा भी केवाईसी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पे डिलीट हो गया आपका तो आप यहाँ पे फिर से दूसरा बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जब पेंडिंग में इंप्रूव फॉर डिजिटल साइनिंग देखने के लिए मिलेगा तो उसको अप्रूवल करने के लिए दोस्तों आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट कीजिए और उसको बोलिए सर हमें अपना बैंक अकाउंट अपना केवाईसी को अपडेट क्यों अपने पीएफ अकाउंट में, तो उसको आप अप्रूव कर दीजिए, देन वो करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका इतना ही स्टेप था जो कि आपको इस वीडियो में आपको एक आसान स्टेप में आपको बताया हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में। पीएफ से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना राय लिख सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं उसका अपना रिप्लाई जरूर दूंगा, उसका सोल्यूशन आप सबको जरूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।